नमस्कार, मैं आपके साथ पवन कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आई है, आपको बताते चले। कोतवाली दरियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत भारतपुर गांव में उत्तर के नाले के उस पार रोली उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष के मध्य संदीप कुमार यादव ने लगाई फांसी। दोनों बच्चों एक ही पेड़ से लटकते हुए मिले और घटना ये रात्रि 9 बजे की बताई जा रही है। आपको बता दें कि मौके पर कोतवाली प्रभारी दलबल के साथ पहुंचकर शव को नीचे उतारा और सील कर कोतवाली को ले गए। और आपको बता दें संदीप की माँ क्या बयान करती हैं। सही से थोड़ा सा गाना गाए ना आप, थोड़ा गाना मत गाइए, थोड़ा सा जो है एक बार बता दीजिए अभी पूरी बात। नहीं तो क्या हुआ, आपको लड़के ने आत्महत्या की, उसको मार के टांगा गया, क्या आपको लगता है किसके ऊपर शक है आपको? किसके ऊपर शक है? सब किसके ऊपर है? किस लिए मारा है? कहा के लिए मारे ने बता दो मेरे को। वो जो लड़की साथ में तंगी है उससे कोई चक्कर था आपके लड़के का? बिटिया दादी किसकी है? एक ही परिवार के सब लोग हो? कब से लापता था आपका बेटा? 12 बजे रात तक घर पे था। फिर उसके बाद रात में खाना खाने आया था? अच्छा, फिर रात में 12 बजे आपको कैसे पता चला? जब लाठी डंडा सब यहाँ से मनाई तो बोला काम बटे हम लेंगे पता सब है कि नहीं। तो लाठी डंडा लेके कौन गया था? श्री प्रताप हैं, लवकुश हैं, अलपन गए, सचिन गए। अब जिन लाठी डंडा ले जा रहे तो ये हमारे घर के कहीं कोई बेटर होएगा कहा कि कहे कहा जाओ खेत में देखो जा हाँ संदीप की नहीं। फिर अब आगे भैया चलो। साथ ही साथ आपको बताते चले थाना दरियाबाद क्षेत्र के अंतर्गत युवक व युवती फांसी लगाकर आत्महत्या करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक का बड़ा बयान सामने आया। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट और समझते हैं क्या है पूरा मामला। बाराबंकी के थाना दरियाबाद के गांव भरतपुर के एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक नवयुवक और एक नवयुवती ने गाँव से कुछ दूर सागौन के पेड़ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। जानकारी करने पे पता चला कि मामला प्रेम प्रसंग का था, दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। मौके पे मृतकों के परिजन मौजूद हैं और घटनास्थल पे स्थानीय पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।